बोला कि हम 10 बजे इंटरव्यू के बाद हुआ, पर देवरात तो 10 बजे पहले से अस्पताल में आ गया। क्या करे, क्यों हुआ, क्यों चक्कू मारा उसको? वो बहुत सीधा लड़का है, कुछ भी नहीं जानता वो तो। किस तरह से किसी क्या हुआ? क्या पता, हमें तो फोन मेरे पड़ोसी आके बोले कि देवरात ने चक्कू मार दिया उसको, अस्पताल ले गए, मम्मी भी दौड़ के गई, आप भी चलो, हम भी आ गए, बस यही देख रहे हम। 24 घंटे हमारे भी यहाँ पे हो गए, हम देवराज खाली बाहर से देख के आ रहे हैं, उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, बस आप सब दुआ करो कि वो जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। मंदिर में पूजा पाठ करी, उसकी मम्मी ने सिर से नारियल फोड़ दिया, उसकी हालत तो बहुत नाजुक है, वो भी उसको संभाल रहे हैं, पूरा परिवार जुट गया है, बस हमारा तो यही दुआ है कि देवराज उसको देख ले, वो देवराज को देख ले, उसकी माँ उसके मुँह से माँ सुनना चाहती है बस, कि मेरा देवराज मुझे माँ बोलते बस। बस वही थोड़ी सी हालत सुधार हुआ है, पर 48 घंटे बोले, बस 48 घंटे से पहले देवराज होश में आ जाए, क्योंकि 24 घंटे क्या हमारी भी हालत हो गई, वो तो जानता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, हमें भी नहीं पता स्कूल में क्या हुआ, क्यों चक्कू मारा, बस हमें भी ये जानना जरूरी है क्या कि क्यों मारा, क्या गलती थी बच्चे की, क्यों चक्कू मारा उसको। आप सबसे निवेदन है कि आप दुआ करो देवराज ठीक हो जाए मेरी, बस धन्यवाद। क्या बोलूं, रेखा नाम, मामा की लड़की है मेरे, मामा की लड़की है। नहीं नहीं, हमको नहीं पता है, मैं अभी आई हूँ। बैठे दूर बहुत अच्छा लग रहा है, बस उसको बाथरूम नहीं आया, बोल रहे बाथरूम आ जाए, बहुत अच्छा है बाथरूम आ जाए, उसके बाद उस कंडीशन से लगे, यही प्रार्थना करूँ भगवान से कि उसको जीवन दान दे दे, वो ठीक हो किधर आ जाए, बस कहना चाहती हूँ। मैं नाइट की शिफ्ट में ड्यूटी इंचार्ज हूँ मैं, और जो बच्चा है उसका इलाज हो रहा है, और उसके स्वास्थ्य में निरंतर रिकवरी हो रही है, और यहाँ शांति व्यवस्था है, और हम आप लोगों से यही अपील करते हैं, मीडिया बंधुओं से, सामाजिक संगठनों से, आम पब्लिक से, कि सबका सहयोग करें, और उदयपुर की जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसी सुरक्षा लगी हुई है, हॉस्पिटल में डॉक्टर बढ़िया बढ़िया से बढ़िया जो चिकित्सक है वो इलाज कर रहे हैं, और बच्चे के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। पुलिस व्यवस्था माकूल है, यहाँ लोकल SHO साहब है वो भी अभी आए हुए हैं, और हम भी लगे हुए हैं, और CI साहब और बाकी जो जाबता है वो पूरा तैनात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, संगठनों से, आम पब्लिक से, कि हमारा सहयोग करें, और उदयपुर की शांति के लिए सब मिलकर अपना काम करें। मैं सत्यनारायण मुंशी, अभी हम पेशेंट से मिल के आए हैं, हालत सीरियस जरूर है, लेकिन जैसे डॉक्टरों ने बताया कि कुछ 5 ml 7 ml कुछ ब्लड वो यूरिन आया है, तो उससे हमें उम्मीद जगी है, और हम तो सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि जल्द जल्दी लड़का हमारा स्वस्थ हो जाए, पहली प्रार्थना है हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभी हालत तो सीरियस है, बेहोश है, लेकिन उनकी पल्स भी चल रही है, और यूरिन आया तो कुछ कह सकते हैं कि उम्मीद जगी है। मैं हाँ हाँ, पल्स मतलब किसका क्या नाम है? धूरी 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 बहन, हाँ धूरी बहन। क्या लगते हैं आपके? मेरा पोता है। कैसी स्थिति है? अच्छे अच्छे स्थिति। हाँ, देख के आया, सुबह भी देख के आया, घटना का ही कारण नहीं है अभी मैंने तो कहीं इतना मालूम पड़े नहीं, अभी छोड़ा स्कूल जावे तो अभी कहीं मालूम अभी मैंने, हम तो हिला छेड़ लीजिए भगवान, बस दुआ करी जाओ बस ठाकुर जी ने, बस इतना ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। कैसे पता लगा? ना पता नहीं सर, घटना भी घर जाते, मम्मी भी घर जाती, ये अटल आया ने घड़ी मालूम पड़ो क्या।